राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर के दो राज्यों मणिपुर और नागालैंड को कवर कर चुकी है। अब जल्द ही यात्रा आसाम में चलेगी। कांग्रेस का दावा है कि शुरुआती चार दिनों की यात्रा के दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा को शानदार रिस्पांस मिला है। इस दौरान राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का बच्चों के साथ मिलने के कई वीडियो सामने आए हैं। ऐसा ही एक वीडियो नागालैंड में यात्रा के दौरान भी सामने आया, जब राहुल मोकोकचुंग में लोगों को संबोधित करने के बाद निकले थे तो एक छोटी बच्ची से राहुल की बात हुई। प्यारी सी बच्ची इस दौरान एक पोस्टर लिए राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल ने जैसे ही बच्चे की आवाज सुनी तो उसके पास चले गए और फिर उसके साथ बातें की और तस्वीरें खिंचवाई। इस दौरान एक महिला राहुल को चाय ऑफर भी करती है। राहुल के साथ फोटो खिंचवाते हुए इस दौरान बच्ची राहुल के कान में भी कुछ कहती है। राहुल गांधी का क्रेज युवाओं के बीच भी देखने को मिला है। इसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल भी हुआ है जिसमें कुछ युवतियां राहुल को देखकर काफी खुश हो जाती हैं। राहुल भी उन्हें निराश नहीं करते और उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। सामान है। अपनी न्याय यात्रा में राहुल न सिर्फ जनसरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं बल्कि बच्चों के बीच पहुंचकर हल्की फुल्की बातें करते हुए भी नजर आते हैं। बच्चों के साथ हंसने मुस्कुराने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बता दें, नागालैंड के बाद यात्रा आसाम में प्रवेश करेगी। यात्रा 8 दिनों तक आसाम में चलेगी और इस दौरान 833 किलोमीटर चलेगी और 17 जिलों को कवर किया जाएगा। It's an honor for me to come here.